देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम भजन लाल ने दिल्ली में भाजपा प्रत्याशी बांसुरी स्वराज के समर्थन में की जनसभा, कहा पीएम मोदी ने दी देश को नई दिशा, केजरीवाल ने जनता की उम्मीदों पर पानी फेरा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चार धाम यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर की समीक्षा बैठक, वीसी के जरिए दिए निर्देश, आगामी छुट्टियों और वीकेंड को देखकर करें तैयारियां। पंचकेदार में से एक चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ के खुले कपाट, पूजा अर्चना के बाद श्रद्धालुओं के लिए खोले, 6 माह ग्रीष्मकाल में यहां होगी पूजा। कैलाश यात्रा का चौथा दल रवाना, कमिश्नर दीपक रावत ने दिखाई हरी झंडी, श्रद्धालुओं का किया गया स्वागत, राजस्थान से पहुंचा है दल। और रामनगर हल्द्वानी मार्ग पर सड़क हादसा, कार और अज्ञात वाहन की आमने सामने की भिड़ंत, 2 लोगों की हुई मौत, वाहन चालक फरार। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को लेकर है जहां पुष्कर सिंह धामी लगातार चार धाम यात्रा पर नजर बनाए हुए हैं। सीएम धामी ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए चार धाम यात्रा को लेकर अधिकारियों की बैठक की और चार धाम यात्रा को व्यवस्थित रूप से चलाने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि रजिस्ट्रेशन के स्लॉट फुल हो जाने के बाद भी हरिद्वार में चार धाम जाने वाले कई यात्री रुके हुए हैं और उन्हें रजिस्ट्रेशन का इंतजार है। ये कहा गया है कि जैसे चार धामों में जैसे यात्री होंगे, तीर्थयात्री होंगे, उसी हिसाब से ट्रैफिक का मूवमेंट रखना है और अनावश्यक किसी को रोकना नहीं है। ऐसे लोग जिनकी बुकिंग है वो जा सकते हैं और जिन लोगों की बुकिंग नहीं है वो यहाँ पे उनको रुकना चाहिए। ये एक सामान्य दिशा निर्देश सबके लिए हमारी ओर से भी है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से, क्योंकि धामों में अगर भीड़ हो जाती है, अगर आपकी बुकिंग नहीं है, आपके रुकने की व्यवस्था नहीं है, आपके ठहरने की व्यवस्था नहीं है, तो ऐसे में आपको दिक्कत हो सकती है। तो अपने बुकिंग के हिसाब से ही चलें और जैसा निर्देश ऊपर से ऊपर के जनपदों से आएगा, जैसे भीड़ होगी और उस हिसाब से हम लोग ट्रैफिक को यहाँ से मूव कराएंगे। फिलहाल ऐसी स्थिति नहीं है कि हम लोग ट्रैफिक को रोकें या वो करें। पहली बार चंपावत से शुरू हो रही आदि कैलाश तीर्थ यात्रा के यात्रियों का 60 सदस्यों का दल शनिवार दोपहर को लोहाघाट पहुंचा। दल के लोहाघाट पहुंचने पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। दल ने सबसे पहले लोहाघाट में स्वामी विवेकानंद जी की तपोस्थली अद्वैत आश्रम मायावती के दर्शन किए। तीर्थयात्रियों के द्वारा आश्रम की खूबसूरती की भी इस दौरान सराहना की गई। बता दें कि सुबह कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने टनकपुर से दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। अभी ऐसा कि पहला बैच तो हमारा इधर से पहला बैच है, होने को चौथा बैच चल रहा हमारा केन वैन के ओर से, वे लोहा नमपुर से होते आज पहला बैच हमारा चल रहा, दूसरा बैच 22-24 तारीख को हमारा। तो सब जस्ट यहाँ तो लंच किए और यहाँ उनका आते सामान्य आते ही उनका भव्य स्वागत किया गया पूरे कर्मचारी द्वारा, हमारे स्टाफ के द्वारा, और करने के बाद ड्राइवर को प्रस्थान कर आए में हमको आए का एकता मंच ने डोईवाला उपजिला अधिकारी अपर्णा ढोंडियाल के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा और बताया कि एमडीडीए के कर्मचारी गरीबों के मकान तोड़ने की धमकी दे रहे हैं और नक्शे के नाम पर अवैध वसूली कर रहे हैं। इनका कहना है कि पूर्व सैनिक जब देश की कई सालों की सेवा के बाद मिली अपनी कमाई से अपने परिवार के लिए छोटा सा आशियाना बनाना चाहते हैं तो उसे भी विभागीय कर्मचारियों की प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है। कई दिनों से कई जगह से, चाहे रानी पोखरी का क्षेत्र हो, बोधली का क्षेत्र हो, डोईवाला के आसपास तमाम क्षेत्रों से कई जगहों से शिकायतें आ रही हैं कि एमडीडीए के कर्मचारियों द्वारा लगातार कोई भी व्यक्ति, चाहे पुरुष सैनिक हो, छोटा किसान हो, गरीब वर्ग का हो, छोटा अगर मकान बनाता है तो उनको पीड़ित किया जाता है, मकान को तोड़ने की दी जाती है धमकी, या फिर किसी प्रकार से उनको समय दिया जाता है कि आप आइए ऑफिस में मिलिए, उस प्रकार से उनसे भ्रष्टाचार के रूप में कुछ ले लिया जाता है। तो हमारा ये सीधा संदेश है कि डबल इंजन की सरकार है हमारी, अगर इस प्रकार के हमारे कानून में कहीं से भी वार्ता आई या बात आई
तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और ना ही ऐसे अधिकारी को हमको आवश्यकता है इस क्षेत्र में। सभी ने एक मांग पत्र हमने माननीय SDM महोदय को दिया है, जिसमें हमने दिखाया कि क्षेत्रीय जनता MDDA मसूरी देरा विकास प्राधिकरण के भ्रष्टाचार से बहुत परेशान है। कोई भी गरीब व्यक्ति अपना मकान बनाने की कोशिश करता है तो उनके कर्मचारी या उनके विभागीय अधिकारी जो भी है वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं और उनको नक्शा बनाने के नाम पर धमकाया जाता है, उनको मकान तोड़ने की धमकी जाती है और अगर ऐसा न करने की स्थिति में उनसे अवैध वसूली तक के लिए बोला जाता है कि तुम इतने पैसे दो हम तुम्हारा नक्शा पास करते हैं। जबकि जो कोई गरीब आदमी है बेचारा 2 बीघे की 2.5 बीघे की ज़मीन में मकान बनाने का प्रयास करता है, किसी प्रकार से एक ही पैसा जोड़ करके वो एक किसान आदमी किसी तरह से एक ही पैसा जोड़ करके अपना मकान आसाना बनाने की कोशिश करता है तो MDDA द्वारा उनको प्रताड़ित किया जाता है। उन्होंने हमें लेटर दिया है, ज्ञापन दिया है, उसके परिप्रेक्ष्य में हम लोग एक बार जाँच करेंगे। साथ में हम MDDA के जो AE और JE हैं जो लोकल क्षेत्रीय स्तर में यहाँ पे डेप्यूटेड हैं उनसे भी एक बार वार्ता करेंगे कि क्या इश्यूज ग्राउंड में आ रहे हैं। इसके अलावा उनके जो जो ज्ञापन है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, तो हम इसको आगे फॉरवर्ड करेंगे। चंपावत के लोहाघाट ब्लॉक की नेपाल सीमा को जोड़ने वाली रोसाल मटियानी सड़क की बदहाली पर ग्रामीणों का प्रशासन और सरकार के खिलाफ फूटा गुस्सा। शनिवार को सीमांत क्षेत्र के ग्रामीणों ने किसान नेता मोहन चंद्र पांडे के नेतृत्व में सरकार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ मटियानी में जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। जो रोसाल से मटियानी तक जो सड़क मार्ग है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है, उसका डामरीकरण पूरा उखड़ गया है और एक से डेढ़ दो फुट के उसमें गड्ढे बने हुए हैं और पूरी तरह जोखिम भरा यह मार्ग हो रहा है। कभी भी इसमें हादसे हो सकते हैं, बाइक हैं और ये तो कई बार रपट गई हैं और कई लोगों को चोटें भी लग गई हैं। जो गर्भवती महिलाएँ हैं या बीमार व्यक्ति हैं उनको मटियानी जो कि एक नेपाल बॉर्डर से बिलोंग करता हुआ गाँव है उनको वहाँ से लोहाघाट पहुँचाने में जो 40 से 50 किमी दूरी तय कर स्वास्थ्य केंद्र लाना पड़ता है तो उसमें भारी समस्या होती है। कई बार जो डिलीवरी वाली महिलाएं हैं उनकी जान पर जो है बन आती है। कई बार इसके बारे में विभाग को सूचित किया गया है, जनप्रतिनिधि तो खैर हर 5 साल में एक बार जाते हैं और हर बार पब्लिक को ठग के अपना वोट ले आते हैं, उसके बाद वो इस क्षेत्रों की तरफ जाते ही नहीं है। पर्दे पर बनने वाली जौनसार बावर की पहली पिक्चर फिल्म मेरे गांव की बाट के दूसरे चरण की शूटिंग शुरू हो गई है, जिसमें बावर और भरम क्षेत्र में कई दृश्य फिल्माए जाएंगे। फिल्म के महत्वपूर्ण दृश्य देहरादून में भी आज फिल्माए गए। इसके अलावा हनोल स्थित महासु देवता मंदिर में भी फिल्म की शूटिंग होगी। फिल्म में गाए गए अधिकांश गीतों की शूटिंग बावर क्षेत्र के बागी कुणा विरनाड कोटी कनासर नीनूस पास्तिल मोइला टॉप देववन जैसे कई जगहों पर फिल्मांकन इसका किया जाएगा। जौनसार बाबर की पहली फीचर फिल्म मेरे गांव की बाट का सेकंड शेड्यूल की शूटिंग प्रारंभ हो चुकी है और आजकल शूटिंग देहरादून में चल रही है और 18 तारीख से इस फिल्म की शूटिंग बावर के विभिन्न गांव में होगी। पहले अनोल मंदिर में और उसके बाद बावर का जो बागी गांव है रात को 18 तारीख को वहां पे शूटिंग होगी और 18 तारीख के बाद बिरनाड पूणा नीनूस और मोइला टॉप कोटी कनासर विभिन्न स्थानों पर इस फिल्म की शूटिंग की जानी है। तो 18 तारीख को शाम को जो बागी में शूट होगा वो फोक पर आधारित एक गीत है उसकी शूटिंग होगी। तो जो तिवनी क्षेत्र में बावर के लोग हैं यदि शूटिंग को देखने आना चाहते हैं तो कल रात को 7 बजे के आसपास वो बागी में आ सकते हैं। चारों धामों में सबसे ज्यादा यात्री केदारनाथ के दर्शनों के लिए ही पहुंच रहे हैं। पिछले 8 दिनों में 2.15 लाख से ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ धाम के दर्शन करने पहुंच चुके हैं, यानी कि 2,15,000 श्रद्धालु अब तक इसके दर्शन कर चुके हैं। शनिवार को पुलिस अधिकारी ने ये जानकारी दी। मंदिर के द्वार 10 मई को श्रद्धालुओं के लिए खोले गए थे और तब से लेकर अब तक 2,15,930 से ज्यादा श्रद्धालु बाबा श्री केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं, जो एक नया रिकॉर्ड है। आपको बता दें कि 1,50,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पैदल चलकर मंदिर का दौरा किया, वहीं 60,000 से ज्यादा लोग हेलीकॉप्टर खच्चरों और छड़ी गाड़ी सेवा के माध्यम से पहुंचे हैं। लाख 25,000 तक यात्री हमारे केदारनाथ दर्शन कर चुके हैं आज तक। जगह जगह पर पुलिस खड़ी है, वो केवल आपकी व्यवस्था के लिए खड़ी है।
कृपया उनकी जो उनके द्वारा जो निर्देश दिए गए उन निर्देशों का पालन करें। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो यहाँ पर आने वाले यात्री सुरक्षित रहें और सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुँचे। तो मैं आप लोगों के माध्यम से उन यात्रियों से अनुरोध करूँगा कि जो इस यात्रा के अंतिम में हैं, जो 60 साल से ऊपर हैं, जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, यात्रा इसे शुरू हुई चार धाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसे देखते हुए एक बार फिर चारों धामों पर यात्रियों के दबाव को देखते हुए ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर मंदिरों में दर्शन के लिए कितनी केयरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। हालांकि सरकार के पास इसे लेकर कोई भी स्टडी नहीं है जिसके आधार पर ये कहा जा सके कि हर धाम में रोजाना औसतन कितने श्रद्धालु दर्शन कर सकेंगे। ऐसे में बड़ी बात यह है कि जिस पर्यटन विभाग को इस संबंध में समीक्षा बैठकें करनी थी, वही यात्रा के दौरान कहीं दिखाई नहीं दे रहा। ना तो कोई पर्यटन सचिव कहीं है और ना ही पर्यटन मंत्री का कोई पता है, और तो और मुख्यमंत्री चारधाम यात्रा को लेकर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जिनके बिना अधिकारी कुछ काम करने को तैयार ही नहीं है। देखिए ये खास रिपोर्ट। उत्तराखंड प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियाँ कुछ ऐसी हैं कि हर साल छोटी बड़ी कई आपदाएं इस प्रदेश में आती हैं, लेकिन साल दर साल यहाँ पर्यटकों की संख्या भी बड़ी है। यही कारण है कि हर साल उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में धारण क्षमता और वहन क्षमता को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं, जिस पर कोई ठोस कदम उठाए बिना ही सवाल सवाल ही रह जाते हैं। पिछले साल जोशीमठ शहर की आपदा के बाद कई जांच एजेंसियों ने अपनी विस्तृत रिपोर्ट तैयार की, लेकिन उसके आधार पर कितना काम हुआ इसका जवाब शायद किसी के पास भी नहीं है। साल 2013 में केदारनाथ में आई आपदा के बाद यह सवाल उठे कि चारधाम यात्रा में यात्रियों की संख्या को नियंत्रित करते हुए केयरिंग कैपेसिटी पर जोर दिया जाए और यह तय किया जाए कि प्रतिदिन औसतन कितने श्रद्धालु प्रत्येक धाम पर दर्शन कर सकेंगे। देखिए, इस वाहन क्षमता को लेकर यदि कोई स्टडी हुई है, एज ए कमिश्नर मेरी जानकारी में नहीं है। पर्यटन विभाग की ओर से अगर कोई ऐसी स्टडी कराई गई है तो मैं सचिव पर्यटन महोदय से जरूर अनुरोध करूंगा कि हमारे मीडिया के साथियों को शेयर कर दें। केदारनाथ धाम में साल 2013 में आई आपदा का कारण भले ही कुछ भी रहा हो, लेकिन उस भीषण आपदा के बाद राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण लगातार केदारनाथ और अन्य धामों पर श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के चलते अपनी नजर बनाए हुए है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सचिव रंजीत सिन्हा का कहना है कि उच्च हिमालयी क्षेत्रों में आने वाले छोटे शहरों और कस्बों में आपदा के जोखिम को कम करने के लिए दो पैरामीटर पर काम किया जाता है, जिसमें से पहला है धारणा क्षमता यानी कि वियरिंग कैपेसिटी, जिसके अंतर्गत एक निश्चित शहर या कस्बे की सोइल कैपेसिटी यानी कि वहां की भूमि पर कितना हैवी निर्माण किया जा सकता है उसको निर्धारित किया जाता है। इसके अलावा दूसरा पैरामीटर केयरिंग कैपेसिटी को लेकर के है, जो कि निर्धारित करता है कि उस छोटे शहर या कस्बे में एक साथ कितने लोग एक निश्चित समय के लिए रह सकते हैं। इसमें डिपार्टमेंट जो नोडल है, जो अर्बन डेवलपमेंट है, टूरिज्म जो की यात्रा देख रहा है, मेन नोडल चारधाम यात्रा के लिए, हम सब, क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पर जो वहाँ लोकल रेसिडेंट है उसका नहीं है, जो बाहर से तीर्थयात्री श्रद्धालु आ रहे हैं वो उनके एक साथ ज़्यादा नव संख्या है या जो भी आ रहे हैं उनके कारण प्रेशर रहता है शहरों पे। तो मेरे ख्याल से इसमें कार्रवाई भी चल रही थी और कुछ कार्रवाई की भी गई है, कितना हमारे शहरों की विभिन्न शहरों की कैरिंग कैपेसिटी है। इसको फिलहाल हम यात्रा को सुदृढ़ बनाने के लिए जो भी एक काम किया सकता है उस पर हम लोग काम करते हैं। उत्तराखंड जैसे सेंसिटिव जोन में केयरिंग कैपेसिटी पर कोई भी स्टडी अभी तक ना होना पर्यटन विभाग के ऊपर सवालिया निशान खड़ा करता है, क्योंकि यात्रा से पहले जो भी तैयारी की जाती है उसमें सबसे महत्वपूर्ण यही है कि धामों पर कितने श्रद्धालुओं के रहने का इंतजाम और उनके खाने पीने की व्यवस्था की जा सकती है। लेकिन इसे प्रदेश का दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के बिना ना तो पर्यटन मंत्री कुछ कर पाते हैं और ना ही सिस्टम में बैठे अधिकारी। इस बात की तस्दीक पिछले 2-3 दिनों से यात्रा मार्ग से आई वह तस्वीरें कर रही हैं, जिसमें अव्यवस्थाओं की चर्चाओं के बीच मुख्यमंत्री खुद अपने सारे कार्यक्रमों को रद्द करते हुए श्रद्धालुओं के बीच उनकी परेशानियों को जानने के लिए उनके बीच पहुंचे। शायद अब वह समय भी आ गया है जब मुख्यमंत्री को इन सब पर जवाबदेही के लिए जिम्मेदारी भी जरूर तय करनी चाहिए। देहरादून से कैमरामैन आकाश श्रीवास्तव के साथ संवाददाता हिमांशु बरमोला की रिपोर्ट। और खबरों में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देहरादून क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सभी नदी और नालों को स्वच्छ बनाने को लेकर नगर निगम देहरादून द्वारा मुहिम की शुरुआत की गई है। नगर निगम द्वारा ये मुहिम पिछले 2 महीनों से चलाई जा रही है और आमतौर पर देखा जाता है कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अपना कचरा नदियों में फेंका जाता है, जिसके लिए मुख्यमंत्री धामी द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में नगर निगम देहरादून के मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी सहित सभी संबंधित अधिकारी ग्राउंड जीरो पर मौके का मुआयना कर सभी छोटे बड़े नदी नालों को साफ करवाने का काम कर रहे हैं। जानकारी देते हुए मुख्य नगर स्वास्थ्य अधिकारी अविनाश खन्ना ने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत 60% कार्य पूरा किया जा चुका है और ऐसा कोई व्यक्ति चिन्हित होता है जो किसी भी प्रकार से नदी नालों को दूषित करने का काम करता है तो उस पर चालान सहित कठोर कार्यवाही भी की जाएगी। फरवरी के माह में हमारी ये ऑलरेडी शुरुआत हो गई थी, जो बड़ी नदियाँ हैं वहाँ उनकी सफाई की, और जो शहर के अंदर जो छोटे बड़े नाले हैं उनकी भी सफाई हम लोगों ने मार्च के शुरुआती दिनों में हमने शुरू कर दी थी। अभी स्थिति ये है कि हम लोगों का लगभग 60-70% कार्य पूरा हो चुका है और अलग अलग सेक्शंस में जो बड़े बड़े जो हमारी नदियों के सेक्शंस हैं उसमें हमारी JCB की भी उतारी गई हैं, वो भी सफाई कर रही हैं और साथ ही साथ हमारी जहाँ जहाँ आवश्यकता है वहाँ पे हमारे मैनुअल जो लेबर है वो भी कार्य कर रहे हैं। इसमें देखने वाली बात ये रहती है कि हम लोगों का जो कार्य होता है वो बेसिकली जो कचरा जो बह के आ जाता है ऊपरी इलाकों से या कहीं पे किसी ने फेंक दिया है तो उसकी सफाई की जाती है। वर्तमान में भीषण गर्मी ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया तो वहीं लगातार बढ़ रही गर्मी से लोगों का जीना भी मुश्किल हो गया। बात करें अगर रामनगर रोडवेज स्टेशन की तो यहां पर आने वाले यात्रियों के लिए गर्मी से निजात दिलाने को लेकर सरकार और परिवहन विभाग द्वारा कोई ठोस इंतजाम नहीं किए गए, जिसको लेकर परिवहन निगम की बस में सफर करने के लिए रोडवेज स्टेशन पर आने वाले यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि रोडवेज स्टेशन में ना तो यात्रियों के बैठने के लिए कोई पर्याप्त व्यवस्था की गई है और ना ही पीने के पानी को लेकर कोई व्यवस्था है और इसके साथ ही स्टेशन में गंदगी को लेकर भी यात्रियों ने कई सवाल उठाते हुए सरकार और जिम्मेदार अधिकारियों से यात्रियों को इन समस्याओं से निजात दिलाने की मांग की है। रोडवेज के ARM आनंद प्रकाश ने बताया कि इस संबंध में उच्च अधिकारियों को अवगत कराने के साथ ही गर्मी में यात्रियों को इन समस्याओं से निजात दिलाने के लिए शीघ्र कार्यवाही की जाएगी। हम अभी रामनगर में हैं, रामनगर रोडवेज स्टेशन पे। यहाँ पे पानी पीने की कोई सुविधा नहीं है लोगों के लिए और बैठने का भी कुछ नहीं है ठीक से, मतलब थोड़ा बहुत है, बाकी धूप ऊप के लिए इतना छाया कुछ नहीं है। बाकी धूल मिट्टी आप देख सकते हो कितनी गंदगी है यहाँ पे, सफाई वगैरह कुछ नहीं है, तो बस वही प्रॉब्लम है ज़्यादा। पानी की व्यवस्था के लिए तो मैं शीघ्र ही नगर पालिका से मिल करके, पिछले साल भी उन्होंने व्यवस्था की थी, मैं उसकी व्यवस्था कराने जा रहा हूँ, ठीक है नी। और ये जो धूल हो रही है उसके संबंध में मैं ADM साहब से पत्र लिख करके अनुरोध करूंगा उनसे। सब पीने की पानी की भी बहुत बिल्कुल तुरंत, मतलब मैं शीघ्र इस पर लग जाता हूँ। अब थोड़ा सा आप देख ही रहे हैं यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है ना, निर्माण कार्य चलने की वजह से यहाँ पर धूल धाल हुई है और अगर तब ये नेक्स्ट ईयर तो ये स्थिति होगी नहीं, काम जल्दी हो जाएगा। अब कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है ना, कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है। इसलिए इस समय हम सफर कर रहे हैं, सभी लोग सफर कर रहे हैं, सब त्याग कर रहे हैं। अगर जब ये शीघ्र ही मतलब ये काम हो जाता है, निर्माण कार्य पूरा हो जाता है, सबको सुविधा हो जाएगी। नगर हल्द्वानी मार्ग पर गैबुआ के पास एक कार और अज्ञात वाहन की आमने सामने जबरदस्त भिड़ंत हो गई। इस भिड़ंत के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। घटना के बाद आसपास के ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने घटना की जानकारी पुलिस को दी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कार में सवार सभी 5 लोगों को उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने 2 लोगों को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद अज्ञात वाहन चालक सहित मौके से फरार हो गया। देखिए, कल गैबुआ क्षेत्र में एक अज्ञात वाहन ने अल्टो कार को टक्कर मार दी थी, जिसमें से 3 महिलाएं घायल हैं और 2 पुरुषों की डेथ हो चुकी है। आज हमारे द्वारा पंचायत नामे की कार्रवाई की जा रही है। डोईवाला के भानियावाला स्थित एक रेस्टोरेंट में उस समय अफरा तफरी मच गई जब रेस्टोरेंट में गैस सिलेंडर में आग लग गई। आपको बता दें कि पिछले साल भी यहां पर
अंग्रेजी शराब के ठेके में आग लगी थी, जिससे लाखों रुपए का नुकसान हो गया था। वहीं एक बार फिर होटल में आग लगने की घटना सवालिया निशान उठाती है। यहां सभी रेस्टोरेंट, होटल, ढाबों का संचालन नियम कानून को ताक पर रखकर किया जा रहा है और लगभग सभी में घरेलू गैस सिलेंडरों का इस्तेमाल हो रहा है। डोईवाला उपजिला अधिकारी अपर्णा डोंडियाल ने बताया कि एमडीडीए द्वारा इन दुकानों को पहले ही नोटिस जारी किए जा चुके हैं। कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, बट ऑलरेडी उन दुकानों पे एमडीडीए का नोटिस है और उसकी कार्यवाही गतिमान है, तो उसमें जो भी नियमानुसार कार्यवाही है वो की जाएगी। उत्तराखंड सचिवालय बैडमिंटन क्लब द्वारा आयोजित नवी अंतर विभागीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन राजधानी देहरादून की बहुउद्देश्य क्रीड़ा हाल में किया गया। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्य सचिव आर के सुधांशु ने किया। दो दिनों तक चलने वाले इस प्रतियोगिता में पूरे प्रदेश के 45 विभागों के 300 से ज्यादा खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया है। इस प्रतियोगिता का उद्घाटन करते हुए आर के सुधांशु ने कहा कि सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को स्ट्रेस से दूर करने के लिए खेल उत्तम माध्यम है। साथ ही कहा कि खेल से स्वास्थ्य को लाभ मिलता है। वहीं इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर रहे DIG जनमेजय खंडूरी ने कहा कि खेल स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, साथ ही यह स्ट्रेस भी दूर करता है। देखिए, सरकारी खास करके सरकारी अधिकारियों के लिए अगर बात कहें तो उन्हें रोज नई नई चुनौतियों से जूझना पड़ता है और स्पोर्ट्स से बेहतर कोई चीज़ नहीं हो सकती है। जैसे योग है, उसी तरह से स्पोर्ट्स है, जिसमें आपको न केवल शारीरिक स्वास्थ्य देता है बल्कि साथ साथ मानसिक रूप से भी आप स्वस्थ होते हैं। जब कहते हैं हेल्दी माइंड इन ए हेल्दी बॉडी, उस हिसाब से उन चुनौतियों से किस तरह से पार पाना है, ये सबसे बढ़िया कदम। खेलना हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है और इस तरीके का आयोजन होता है जो कि उत्तराखंड में विशेष के लिए है और मेन सरकारी आदमियों के लिए, सरकारी मुलाजिमों के लिए। तो ऐसे में हमने अपनी टीम को भी उतारा है, जिससे बेसिकली एक मैसेज ये जाएगा कि हमारी जितनी भी सर्विसेज हैं काफ़ी स्ट्रेस में रहती है, तो स्ट्रेस से रिलीफ पाने के लिए स्पोर्ट्स बहुत ही अच्छा माध्यम रहता है। तो इस तरीके के आयोजन करने से लोगों में एक कॉम्पिटिटिव भाव भी बना रहता है और लगातार कॉम्पिटिशन होने से उनका स्वास्थ्य भी बना रहता है। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने दिल्ली में भाजपा प्रत्याशी बासुरी स्वराज के समर्थन में की जनसभा। कहा, पीएम मोदी ने दी देश को नई दिशा, केजरीवाल ने जनता की उम्मीदों पर पानी फेरा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चार धाम यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर की समीक्षा बैठक। VC के जरिए दिए निर्देश, आगामी छुट्टियां और वीकेंड को देखकर करें तैयारियां। पंच केदार में से एक चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ के खुले कपाट। पूजा अर्चना के बाद श्रद्धालुओं के लिए खोले 6 महीने ग्रीष्मकाल में यहां होगी पूजा। कैलाश यात्रा का चौथा दल रवाना। कमिश्नर दीपक रावत ने दिखाई हरी झंडी, श्रद्धालुओं का किया गया स्वागत। राजस्थान से पहुंचा है दल। रामनगर हल्द्वानी मार्ग पर सड़क हादसा, कार और अज्ञात वाहन की आमने सामने हुई भिड़ंत, 2 लोगों की हुई मौत, वाहन चालक फरार। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही, बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।